Hi friends, welcome back. Ayodhya City Tour. Shri Ram Mandir Ayodhya Construction Update, Airport, Roads and More. तो चलो भैया वीडियो शुरू करते हैं. सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो सब कह रहे हैं अभी मौका है, जल्दी जल्दी अयोध्या जाके दर्शन कर लें, जितने कर सकते हैं अपडेट्स देख लें, उसके बाद फिर 22 के बाद आएंगे. तो हमारे को भी अच्छा है, हमें भी बैठे बैठे सब कुछ पता चल रहा है इतनी दूर बैठे हुए कि क्या हो रहा है. मतलब फील नहीं होता कि भाई हम दूर हैं, कि जैसे बाकी लोग इंडिया के दूसरे कोनों में न्यूज़ सुन सुन के टीवी में पता कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वैसे हमें भी यहाँ पे सारी खबर मिल रही है कि क्या क्या हो रहा है, रोज़ की अपडेट मिल रही है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. ये देख लो भाई साहब, फूल. फूल किसने भेजा? देख लो वैसे बाहर से कुछ ऐसा लुक है एयरपोर्ट का. 3 बाद यहाँ आइएगा. 3 बाद ना ये तो पूरा डेवलपमेंट अभी सब हो जाएगा, सबको जब हम लोग लैंड कर रहे थे तभी दिख रहा था. धुंध बड़ी होती है. जय श्री राम, जय श्री राम. ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण. अरे वाह, गुड इवनिंग एवरीवन. स्वागत है आप सभी लोगों का रिकॉर्ड नए व्लॉग में. और आज का व्लॉग का शुरुआत हो रहा है अयोध्या एयरपोर्ट से. वैसे अयोध्या एयरपोर्ट का जो पूरा नाम है वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो हाँ, ये जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. तो मैं बता दूं अभी हम लोग कोलकाता से अयोध्या डायरेक्ट आए. तो हाँ, अगर आप आगे डायरेक्ट फ्लाइट से आने का तो कोलकाता से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा. और भी मेजर काफी सारे सिटीज से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु. मेन सिटीज से आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर आसपास में रहते हो लाइक लखनऊ और गोरखपुर तो आपको तो ट्रेन का ही इतना बड़े बड़े ऑप्शन है. काफी लोग तो बाई रोड भी आ जाए. और अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने अपना पूरा फ्लाइट जर्नी एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ शेयर किया था आप लोगों के साथ. और भाई कमाल का जर्नी था ये हमारा. मतलब कितने घंटे लगे कलकत्ता से? अभी अयोध्या एयरपोर्ट में है ना, तो थोड़ा बहुत एयरपोर्ट का टूर देते हैं आपको. तो ये है देख लो कुछ एयरपोर्ट अयोध्या का. अभी हम लोग जस्ट देख लेट है जहाँ पे एक ही बेल्ट आपको मिलेगा. अच्छा, एक ही बेल्ट है, मुझे दो थे उधर भी था. ये देख लो, आस्था का सम्मान वहाँ भी नहीं है, दो बेल्ट है. अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तो 22 को है. बाकी एयरपोर्ट में देख लो ये बनाया गया है जिसमें आपको श्री राम दिख रहे होंगे, लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, माता सीता दिख रही है, हनुमान जी हैं. भाई बहुत बढ़िया बनाया हुआ है ये. पेंटिंग ही है ये. कुछ ही दिन पहले ये एयरपोर्ट का ओपनिंग हुआ था और हम लोग थोड़ा लेट है, कोई बात नहीं. बाकी यहाँ पे देख लो ऐसा ही कुछ एयरपोर्ट है. तो भाई अभी तो जस्ट हम लोग लैंड किए थे और मेरे को लग रहा है ठंड, ये हाफ जैकेट से कुछ हो नहीं रहा. 13 है बाहर, 13 और हमारा फ्लाइट वैसे थोड़ा सा डिले. कलकत्ता में ठंड नहीं होती ना, थोड़ा आधा घंटा डिले, ऑलमोस्ट 45 डिले था. एक चीज अच्छा हुआ कि इसका जैकेट इसके लैपटॉप बैग में तो निकाल के, नहीं तो बड़े लगेज में तो अभी बड़ा लगेज खोलना पहले वो वाला पहन लो जो. चलो अच्छा है भाई, जैकेट ऊपर की तरफ ही रखा हुआ था मस्त. अभी जैकेट पहन के बढ़िया बढ़िया फोटोज लेते हैं जो आपको इंस्टा स्टोरी में देखने को मिल जाएगा. अगर बढ़िया आ गया तो पोस्ट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजिए, यही कहीं हैंडल आ रहा होगा क्योंकि ये स्टोरी अपडेट करता रहता है ट्रैवल से रिलेटेड. ऊपर से मैंने जैकेट डाल लिया है, जबरदस्त ठंड है भाई, जबरदस्त. एयरपोर्ट के अंदर देखी तो रहा था दूसरा क्या लगेगा. बाकी तो चलो अब एयरपोर्ट पूरा खाली हो गया, अब भी पता नहीं नेक्स्ट जो यूज्ड है उसके साथ हो. लवली ने भी जैकेट डाल लिया है यहां पे, कितने यूज्ड है. चलो बांग्ला वाला सूट कर लेते हैं. कौन सी जगह से आ रहे हो? अगर ठंडी जगह से आ रहे हो तो आपको इतनी यहां पे ठंड नहीं लगेगी. वाह, अच्छा वेदर लगेगा. वैसे हमें लेने के लिए कोई गाड़ी तो नहीं है लेकिन चलते हैं. इन्होंने ऑर्डर नहीं किया वहां से. वो जो जगह देखो क्या वेलकम हुआ है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं था. वो भाई साहब एयरपोर्ट काफी अच्छे खासे बड़े जगह में है देख लो. अरे यहाँ पे अभी भी हो रहा है, लगे पड़े हैं. फोटो लेना था, अभी देखना पड़ेगा हमें क्या. उस वीडियो में तो नहीं थे डंडे. सामने की तरफ देख लो क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है. देख लो वैसे बाहर से कुछ ऐसा लुक है एयरपोर्ट का है. तो भैया आने वाले टाइम में और भी जबरदस्त एयरपोर्ट बनने वाला है. और अभी भी देख लो बहुत सारा काम चल रहा है. तो हाँ, अभी पूरे तरीके से मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ अभी बन चुका है. देख लो ये सामने की तरफ ये जगह पूरा खाली है. अभी मस्त यहाँ पे गार्डन फ्लैग वगैरह लगेगा. पार्किंग तो सामने की तरफ ऑलरेडी बना ही हुआ है. जैसे जैसे यहाँ पे टूरिज्म और श्रद्धालु लोगों का संख्या बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हर कुछ डेवलप्ड होगा धीरे धीरे. अभी हम लोगों को टैक्सी लेना पड़ेगा, ऑटो वगैरह भी मिल जाएगा अगर हम बाहर के तरफ जाएंगे. अंदर तो बनाया हुआ था उसके लिए राम जन्मभूमि में आकर टैक्सी लेने का. तो चलो जी अभी हम लोग अयोध्या एयरपोर्ट से निकल ये बोल रहे हैं. अभी भी काम चल रहा है भाई, अगर आप देख पाओगे तो देख लो अभी भी काम काफी चल रहा है. विंडो भी खोलने का मन नहीं कर रहा है, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है. 3 बाद यहाँ आइएगा.
तो ये सामने की तरफ देख लो, यहाँ से प्रयागराज है, सरकार यही रहे बस। बहुत से ज्यादा प्लेने हैं यहाँ पर, 30 प्लेने हैं। सही बात है भैया, इतने लोगों को रखे रखा है, होटल कहाँ पे है? क्या होटल सब ये हमको नहीं लगता है, ये सब होते क्या भैया? जो होटल है हमको ही पता है, लेकिन ये जो होटल है ना, उन लोगों को रहने के लिए नहीं है, उनके लिए सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए, जैसे पंचशील भी रास्ते मिलेगा आपको। हाँ हाँ, देख लीजिएगा पंचशील पूरा बुक है, जितनी प्राइवेट बुकिंग थी तो कैंसिल हो गई है। अच्छा, जितनी फैजाबाद की अयोध्या की प्राइवेट जितनी भी होटल थी सारी बुकिंग कैंसिल, सरकार बुक करेगी होटल, सरकार देगी, वो तो देना ही पड़ेगा। इनविटेशन है इतने लोगों, और आएंगे, ऐसा नहीं कि इनविटेशन में है तो भाई चलो ठीक है। तो इनविटेशन उनको घर कर रहने का भी फ्री मिल रहा है कि नहीं कर रहे हैं? लोग आ रहे हैं, उनको पता है कि भैया कमाई होगी, भैया टैक्सी वाले बनेंगे सब, होटल ही होटल अब दिखेगा आपको। तैयारी देख लो भैया, पूरा जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पे 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। हर जगह आपको छतों पे देख लो भगवा ध्वज, जिसको बोल सकते हैं आप लोग, देख लो सब जगह फेस्टिवल जैसे होता है ना, हम लोग दुर्गा पूजा हर जगह लग गए। पूरा देख लो फ्लाईओवर में कितना बढ़िया, वाह। और एक होता है ना, जैसे हम लोग किसी फेस्टिवल के लिए बहुत पहले से तैयारी करते हैं, वैसे ही यहाँ भी तैयारी चल रहा है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये जो 22 तारीख है ना, ये भाई इतिहास के पन्नों में लिखने वाला है, लिख के ले लो आप लोग। मस्त एकदम फ्लाईओवर को कलर, टाइम्स स्क्वायर में पूरा दिखाएंगे लाइव, मार्किंग वो जो होता है ना रिफ्लेक्टर सारा, जो अयोध्या में होने वाला पूरी दिखाएंगे वो लाइव मस्त एकदम टाइम्स स्क्वायर में। फूल भगवान मतलब यार पूरा अलग ही चल रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल यहाँ से 2.5 किलोमीटर। तो ये देख लो, इसको बोलते हैं चूरा चौराहा, तो ये माता सीता का कंगन बनाया गया। ऐसा बैरिकेड ना आपको पूरे अभी अयोध्या में ही देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी फुल टाइट एकदम टिल 22 ऐसे ही रहने वाला। पार्किंग, वाह भैया पार्किंग देख लो भाई, फोर या फिफ्थ फ्लोर का पार्किंग। ये पार्किंग किसके लिए थी? मॉल के लिए थी वगैरह किया गया है। चलो कोई नहीं, ये हमेशा लिए रहेगा। अभी हम लोग तो हैं यहाँ पे, आएंगे घूमने के लिए तो आपको दिखाएंगे अच्छे से। रात में तो और भी खूबसूरत, वो नीचे इतना सुंदर एक ब्रिज के नीचे बनाया था। अरे वाह यार देख लो भाई, जब मैं ट्रेन के इनॉग्रल में आया था ना यहाँ अयोध्या धाम, तो मुझे याद है मैं वहाँ पे खड़ा था, उल्टा क्यों आ रहे हैं टाइप का कुछ लगाया हुआ था, और मोदी जी एग्जैक्ट इसी रोड से आया था, इसी रोड से आया उधर की बंद है रोड है। देख लो भाई अभी 22 तारीख आया भी नहीं है, ये देखो ना परेशानी हो रहा है ना। ओए ओए, और ये अभी गेट देख लो, एंट्रेंस गेट, ये एंट्री क्या बनाया हुआ है। पास है भैया पास, हां मैं होटल पे जाना भैया। पास है फाइनली, अभी जाकर हम लोगों ने रूम में चेक इन करा। चलो देखें रूम कैसा, होटल खोजने में तो बैंड बज गया। देख लो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 22 को अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो पहले से ही होटल बुक कर लो, मैं अलाउड ही नहीं मत ही आओ, 22 के बाद आ जाना, ऐसा अलाउड नहीं मत ही आओ। लेकिन मोदी जी ने भी मना किया है कि 22 को नहीं आना, इतने सारे गेस्ट एक तो वैसे ही संभालना मुश्किल है, और ऊपर से आपको तो किसी को मिलेगा नहीं, मिलेगा रूम मिला 2000 रुपए में मिला, बाद में होटल का इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे 2000 में बोले मिला। लोकेशन काफी कमाल का था हमारे होटल का, मुझे टैक्सी वाला भैया था ना उनका थोड़ा बहुत जान पहचान था, होटल में सेटिंग था, एक रूम बस खाली था इस होटल में, हमें 2 दिन के लिए मिल गया। अच्छा अभी करके नहीं आए तो होटल बुक, अच्छे से फिलहाल ये रूम मिला है, मैं देख लो देख लो यहाँ से कुछ एंट्री है अपने होटल का, टीवी वगैरह एसी वगैरह सब कुछ, हालांकि एसी का जरूरत तो नहीं है, गीजर भी है और ऐसा कुछ बेड है अपना, ठीक है भाई देख लो यहाँ पे मिरर वगैरह सब कुछ है। ये क्या विंडो है क्या? हाँ भाई विंडो भी लगा हुआ है, ये सही है। वॉशरूम देख लो कुछ ऐसा है, अच्छा ठीक है ना, बढ़िया है, मतलब सुंदर 2000 के हिसाब से तो भाई मैं तो बोलूंगा काफी बढ़िया है। इतना बड़ा कमरा मिला है, इतना बड़ा बाथरूम मिल गया। अभी एक काम करता है, मेरे को करना है एडिटिंग, जाते हैं पहले थोड़ा देर एडिट करते हैं, फिर निकलते हैं बाहर, देखते हैं निकल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बाहर है पीछे कैमरा भी लग रहा है, जैसा कैमरा है पता चलेगा। फिलहाल अभी दीवार पे समझ कैमरा क्यों लगाएंगे, ये कमरे में है, फोन कर देते कि हां क्या चीज है, पहुंच गए। अभी मैं देख लो वीडियो अपलोड करने के लिए आ चुका हूँ बाहर, इसी के चक्कर में अपलोड करने पाया, मैं एडिटिंग में ही टाइम लग गया 20 मिनट का वीडियो भाई, एडिट करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ऐसा कुछ माहौल है रात का, अभी देख लो क्या जबरदस्त लग रहा है यार यहाँ पे देखो। अभी अगर आप सोचोगे कि कितना काम कंप्लीट हुआ है तो देख लो भाई, रात का देख लो 9:16 हो रहा है, 9 बजे काम कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं भाई दिन रात, एकदम जबरदस्त लगन से काम हो रहा है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है 22 तारीख तक ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो जाएगा। ये जो लग रहा है ना यार एंट्री है, ये मेन एंट्री है,
बहुत सुंदर। अभी अगर आप अयोध्या आ रहे हो तो आपको चारों ओर ऐसे ही जेसीबी वगैरह दिखेगा, काम चल रहा है ना बहुत, उसके बाद जब सब जाएंगे फिर देखना शांति और होटल लेना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। जो होटल का प्राइस अभी के डेट में मैं बता दूँ 1500-1800 रुपए भी उसके लिए बहुत है, वो होटल अभी 3-4 हजार रुपए में मिल रहा है, तो ऐसा कुछ सीन है। अभी हमारा काम है भाई, घूमते रहते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान उठाकर भी आ जाते हैं यहाँ का अपडेट देने के लिए, यहाँ का मतलब बताने के लिए क्या माहौल है अभी। लेकिन अगर आप आ रहे हो दर्शन के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा आप इतना परेशान होने के लिए आओ, अभी 22 तारीख के बाद आना, अभी तो मत ही आना, 22 तारीख के बाद भी बहुत रश होने वाला है, उसके बाद नहीं, एक दो महीने रुक के आओ। मैं तो यही बोलूंगा अपने साइड से, अगर आपने इतने दिन वेट करा है तो थोड़ा दिन और वेट कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई। नहीं आप लोग सब पहले चले जाना, फिर हम जब आएंगे तो रश कम हो जाएगा, आप लोगों ने देख लिया होगा रश कभी कम नहीं होगा। लवली भी ज्वाइन कर लिया है, अभी ठंड से हम वेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता जाए। एक बार धुआं निकाला मुंह से, गजब का ठंड है भाई यहाँ पे, अच्छा लग रहा है वैसे, जो भी बोलो। वैसे ये वाला जो स्ट्रीट है ना, भजन की आवाज है, हमारा होटल इस वाले साइड है, इसलिए हम लोग को इधर आने दिया गया, अदरवाइज और मतलब आने ही नहीं देते, पूछ रहे थे क्या काम है, कहाँ जाना है। रोड्स देख लो भाई, साफ सफाई देख लो, बस होप कि लोग ऐसे ही साफ सफाई मेंटेन, सब यही बोल रहे हैं, सबको यही है कि साफ सफाई जरूरी नहीं है, बस ये 22 तारीख तक की है, इसको हमेशा ऐसे ही मतलब रहने दो, और ऐसे ही मेंटेनेंस भी हमेशा रहना चाहिए। यहाँ यार फोटो तो ये देखा ना, हमने देखा था, क्या ही हो सकता है बताओ, जो अभी काम करता है लवली का मेड इन इंडिया। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है ना, बैकग्राउंड में अगर आप सुनोगे तो वही तो कह रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ, कैसे बैकग्राउंड में मजा नहीं आ रहा, मैंने कहा था ना होना ही चाहिए, एकदम देख लो एकदम ताजा, मेरा सपना था, यहाँ तक पेंट का स्मेल भी आ रहा है, और देख लो भाई कोई तो सुनता है, सब वही कर रहे हैं जो मेरा सपना है ऊपर में, देख लो कुछ ऐसे काम हो रहा है भाई, रात को काम, अभी भी लाइटें लगा रहे हैं, वो लैंप्स लगा रहे हैं, कितने लोगों को काम मिला है, एक मंदिर होने के बाद देखो कितना डेवलपमेंट हुआ है, रोड बना, होटल्स बन रहा है। जय श्री राम, अरे वाह, जय जय श्री राम। कहाँ से आ रहे भैया आप लोग? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से वहाँ से कब निकले थे आप लोग? 26 दिन पहले। यार मतलब मानना पड़ेगा, नाम बता दीजिए, कहीं है आप लोग, कहीं पेज भेजे आप लोगों का, कहाँ पे कहाँ डालते हो बताओ थोड़ा सा, सॉरी इधर आ जाओ भाई थोड़ा सा, सुनील राठौड़ ब्लॉग, अभी डाल दिया वीडियो या नहीं डाले अभी तक? अभी डाल देना फटाफट, लोग देखना चाहते हैं वीडियो, तो ये सुनील राठौड़ ब्लॉग देख लो, ये सर्वन ब्लॉग्स 07 आपका भी है, केसुजी ब्लॉग्स भाई साहब, इन्होंने क्या बोला अपनी बाइक पर, देखो साइकिल से ये लोग अहमदाबाद से राम मंदिर, और 26 दिन पहले निकले थे, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। जितने भी अपने ऑडियंस देख रहे हैं एक बार भाई लोगों को जाओ प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ भाई, इतने लंबा साइकिल चलाना वो भी इस ठंड में मामूली बात नहीं है भाई, चलो एक बार हो जाए। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग के सम्मान में एक भजन भी हम कर देते हैं, अरे वाह, ये मुझे देखना था, अच्छा गाते हैं ये, देख लो वंदे भारत, अरे वाह इसमें हम आएंगे, वाह भाई वाह, क्या सुंदर लग रहा है ऊपर से जाती हुई, क्या व्यू है, ये गोरखपुर वाला है। किलो बन चुकी जन्म भूमि पर मंदिर श्री राम लल्ला की, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अयोध्या तो एक झांकी है, बारी है अब मथुरा की, जय श्री राम। दुनिया वालों सुनो, हर वो कलंक मिटाएंगे, सौगंध राम की खाएंगे, देखो मंदिर वही बनाएंगे, मथुरा में भी डंका बजाएंगे, साइकिल लेके वहाँ पर भी जाएंगे। अरे वाह अरे वाह, राम जी के लिए कहा गया है, ये है कथा सनातन मर्यादा संग्राम की, है ये कथा सनातन धर्म के उत्थान की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, जय जय राम। आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन महुआ हुआ, और मैं बिहार नौगछिया भागलपुर से हूँ। अच्छा, और जो गीत आप सुने वो मेरे पिता श्री विनोद प्रसाद गुप्ता जी ने किया, आपको कितना अच्छा लगा ये आप बताइए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। और ये गाना आप कहीं डालते हैं ये गाना सारा, कहाँ? यूट्यूब पे मिलेगा, रिलीज हुआ है। अच्छा, क्या नाम बता दीजिए? भागलपुर के जिया है आदर्श आनंद, आप नाम सुनेंगे क्रिएटर, अच्छा वो इस पे
वीडियो भी बनाया है okay. वो लीड किए हैं इस गाने को, मैं आवाज दिया हूँ और मेरा मिथुन महुआ चैनल करकर है, तो अगर आपके श्रोता के द्वारा प्यार हमें भी मिले जरूर मिलेगा, जरूर बहुत मिलेगा। धन्यवाद मिथुन महुआ यूट्यूब पर, रील पे भी आ गया है, रील भी बनाइए दबाकर दबाकर। चलो जय श्री राम मंदिर के निर्माण चले जी, चलो जय श्री राम जय श्री राम। बहुत ही प्यारा था यार, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। यही तो मुझे देखना था, यही मैं चाहती थी कि जब आप निकलो, आप एक दूसरे को जानते नहीं पर जब देखोगे सब जय श्री राम। मुझे यही था, वो देखा था कोई और भी जा रहा था, वो जाते जाते भी जय श्री राम करते हुए गए। कमाल है, कमाल है। और आपको भजनों का मैंने कहा भजन, जहां आप जब चल रहे हो हर जगह आपको भजनों की आवाजें आई, सुंदर सुंदर भजन लगे, वो ही हो रहा था पीछे। पूरी सिटी को इतना चेंज कर दिया है कि जैसे वो भाई साहब खुद ही कह रहे थे अब ये 3 साल में आई है और देखो तब आपको इतना चेंज आएगा, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है और इतने खुश हो रहे होंगे अयोध्या वाले, यू कांट इमेजिन जो लोग वहां रहते हैं, काम मिल रहा है, कहां हमारा किस टाइप का सुंदर। वो पूरा एरिया था जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उससे ऑपोजिट हो गया, सड़क नहीं होती थी यहाँ पे, सड़क कितनी सुंदर, अब कहा नो सड़क होता इतनी अच्छी, आपको वहां से वंदे भारत आती नजर, वो व्यू तो बहुत ही अच्छा था, वो एक सेकंड के लिए तो मैं ऐसे हो गई थी कि वाओ, ऐसे लग रहा था पता नहीं कहां पहुंच गई हूं, कमाल। और फिर मेरे को इतनी खुशी हो रही थी किसी एक टाइम में हम भी इसमें होके आएंगे, ऐसे जाते बहुत ही बढ़िया, बहुत है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यार, जितना मैं बहुत सुंदर बोल रही हूँ उससे डबल ट्रिपल समझो बहुत सुंदर। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।